हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि GTA San Andreas गेम अगर आपने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड करने के बाद उसे प्ले कैसे करते हैं, उसे OBB फोल्डर में जाके पेस्ट कैसे करते हैं उसकी फाइल को। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GTA San Andreas गेम को प्ले कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, डाउनलोड करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है उसे प्ले करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं डिजिटल HD HR। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर। GTA San Andreas डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। तो मैं भी यहाँ पर अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाता हूँ। फाइल मैनेजर में जाने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है और यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स आ जाते हैं। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा OBB का, तो OBB वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चार अलग अलग फोल्डर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा GTA San Andreas है उसका एक फोल्डर बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ वो वाला फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ से बैक करना है और आपको बाहर निकल जाना है। बाहर निकल जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा जो आपका गेम है, गेम वाला जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। एक बार उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको इसे अलाउ कर देना है। अलाउ कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको क्विट गेम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आप गेम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल से आपको फिर से वहीं जाना है, आपको वापस से फाइल मैनेजर में जाना है। तो फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए, इंटरनल स्टोरेज में चले जाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पर क्लिक करना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद फिर से आपको जाना है OBB में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे रॉक स्टार गेम से यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है। तो ये फोल्डर यहाँ पर आ चुका है जो कि अभी खाली है। अब आपको देखना है कि आपने गेम कहाँ से डाउनलोड किया है। आपने जिस भी ब्राउज़र से आपने गेम को डाउनलोड किया है, उसकी फ़ाइल को डाउनलोड किया है, उस वाले फोल्डर में चले जाइए और वहाँ से उसे कॉपी करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इस गेम को एक्सेंडर से लिया है, तो जो एक्सेंडर है उसमें मैं अपनी फ़ाइल को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेंडर दे रखा है, तो एक्सेंडर में मेरी फ़ाइल पड़ी है, उसे मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर फोल्डर में जाना है, आपने जहाँ से डाउनलोड किया है आप वहाँ से उसे कॉपी कीजिए और मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इसका फोल्डर बना हुआ आता है, तो आपको सिंपल से इसे ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको भी और मुझे भी, तो मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट जो फाइल होती है मैं फ़ाइल को ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। आपको पूरा फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि उसे ओपन करके जो होती ना फाइल उसे कॉपी करना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे मूव कर लेता हूँ, आप भी इसे मूव कर सकते हो। तो यहाँ से इसे मैं बैक करता हूँ और उसके बाद वापस से एंड्रॉयड में चले जाता हूँ और OBB वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। रॉक स्टार जो गेम्स का यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ से मैं मूव कर देता हूँ। तो ये जो दोनों फाइलें हैं ये यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब सिंपल से आपको भी ऐसा ही करना है कि आपका आपने जहाँ से भी डाउनलोड किया है ब्राउज़र से, तो आप वहाँ चल जाइए और वहाँ से जो फाइलें हैं डायरेक्ट फाइल को ही लेना है आपको, वहाँ से आपको मूव कर देना है। किसमें? यहाँ पर OBB के अंदर एंड्रॉयड में जाकर। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपल से बाहर निकल जाना है और जितनी भी ये आपने ऐप्स ओपन कर रखी इसे सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपल से गेम को ओपन कर लेना है। अब मैं गेम के ऊपर ओपन क्लिक करता हूँ तो जो हमारा गेम है वो प्ले हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पर साइन इन टू सोशल क्लब का एक ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप इसे यहाँ से साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो या फिर ऑफलाइन खेलना चाहते हो तो ऑफलाइन भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर ऑफलाइन का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपल सा हमारे सामने गेम आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये गेम नहीं है GTA San Andreas और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो बना के बता दूंगा कि गेम को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की मैं छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।